भारत में सर्पगंधा को पागलपन की दवा के नाम से जाना जाता है। सर्पगंधा का प्रयोग उन्माद में यानी पागलपन में किया जाता है। इसका प्रयोग अपस्मार में यानी मिर्गी के दौरों में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। इसका प्रयोग नींद न आने की बीमारी में, जिन लोगों को नींद नहीं आती हो यानी इनसोम्निया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डिप्रेशन की अवस्थाओं में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सर्पगंधा के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सर्पगंधा के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या गुण हैं, किन किन रोगों में सर्पगंधा का प्रयोग किया जा सकता है, किस किस प्रकार से सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं और सर्पगंधा के प्रयोग के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सर्पगंधा से जुड़ी सारी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्पगंधा को किन किन नामों से जाना जाता है। बाजार में सर्पगंधा के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी। पंसारी के यहां यह आसानी से उपलब्ध रहती है। इंग्लिश में इसे इंडियन स्नेक रूट के नाम से जाना जाता है और इसका लैटिन नेम रोवोल्फिया सर्पेंटिना है। अब मैं आपको इसके गुण बता देता हूँ। तो यह रुक्ष है, शरीर में रुक्षता लाती है, रूखापन लाती है। इसके अलावा यह तिक्त रस से युक्त होती है यानी इसका जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। इसके अलावा यह उष्ण वीर्य औषधि है यानी स्वभाव में यह गर्म होती है, गर्म तासीर वाली यह औषधि होती है। और यह कफ दोष का और वायु दोष का, कफ और वात दोष का शमन करती है। तो इसका प्रयोग कफ दोष जन्य विकारों में और वायु दोष जन्य विकारों में इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। और इसका जो प्रभाव है, जो इस औषधि का विशेष प्रभाव है, वह है निद्राजनक यानी यह नींद की मात्रा को बढ़ाता है, यह नींद लाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती हो उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। इसका जो प्रभाव है वह 3 से 6 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। इसका यह जो प्रभाव है यह इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उनकी वजह से होता है। इसमें काफ़ी सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिसमें डेसरपिन, रिसरपिन, सर्पेंटिन और कई सारे इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो एल्कलॉइड होता है वह रिसरपिन होता है। रिसरपिन इसका मुख्य रूप से वर्किंग एल्कलॉइड्स होता है। इसी की वजह से यह औषधि इतनी ज़्यादा कारगर रहती है। सर्पगंधा का जो प्रभाव होता है वह मस्तिष्क पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। मस्तिष्क को यह शांत करता है। जो आपके मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं या डिप्रेशन की अवस्था होती हैं उनको कम करने में, उनको शांत करने में यह बहुत अच्छा रहता है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चिंता जो है वह चिता के समान होती है। और अगर आप चिंता से दूर होना चाहते हैं, चिंता को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो आप जो है सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। सर्पगंधा के प्रयोग से आपके स्ट्रेस में कमी आती है, डिप्रेशन में कमी आती है, आपका मस्तिष्क शांत रहता है, स्वभाव आपका शांत हो जाता है। और इसके अलावा यह जो हृदय की बढ़ती हुई गति होती है, जो बहुत तीव्र अवस्था से हृदय धड़कता है, उसको भी यह कम करता है। साथ ही यह आपके ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। तो इसका प्रयोग जो है हृदय के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से जो धमनियां कठोर होती जाती हैं, सख्त होती जाती हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगती है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। इसके अलावा जो है इसका प्रयोग अनिद्रा की अवस्था में किया जाता है। कई लोगों को नींद नहीं आती है, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जब नींद नहीं आती है तो इसका प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। इसके प्रयोग से 4 से 6 दिन के अंदर अंदर नींद आपकी ज़्यादा मात्रा में आने लगती है, नींद आपकी बढ़ने लगती है। और जब नींद आपको प्रॉपर आती है तो जो दिन में शरीर में तनाव रहता है, थकान रहती है, वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है। नींद लाने के लिए, नींद की मात्रा बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। सर्पगंधा के प्रयोग से जो शरीर में सामान्य थकान होती है या शरीर में जो बेचैनी होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा सर्पगंधा का जो प्रयोग है वो मानसिक रोगियों में भी किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में भी किया जाता है जिनको बार बार मिर्गी के दौरे आते हों, उन लोगों के लिए भी यह औषधि फायदेमंद है। और जो मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं उन रोगियों के लिए भी सर्पगंधा बहुत लाभदायक जड़ी बूटी है। हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था में और इनसोम्निया यानी नींद न आने की अवस्था में
तो सर्पगंधा बेहद ही कारगर जड़ी बूटी है, यह मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोग इन दोनों ही अवस्थाओं में बेहद ज़्यादा कारगर रहता है। इसके अलावा महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये महिलाओं में गर्भाशय को संकुचित करता है, यानी जिन महिलाओं को कष्ट के साथ मासिक धर्म आता हो, बहुत अधिक कष्ट होता हो, उन महिलाओं के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी है। यह गर्भाशय की जो सूजन होती है उसे कम करके मासिक धर्म को ठीक प्रकार से लाने में यह आपकी मदद कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बाजार में इसका मूल पंसारी के यहाँ, इसकी जड़ जो है पंसारी के यहाँ आपको आसानी से मिल जाती है। इसकी जड़ का कूट पीसकर चूर्ण आपको तैयार कर लेना है और उस चूर्ण का आपको प्रयोग करना है। बाजार में यह चूर्ण कई फार्मेसियाँ बनाती हैं और सर्पगंधा चूर्ण के नाम से आपको तैयार चूर्ण भी बाजार में आसानी से मिल जाएगा। यह बहुत ही सख्त औषधि होती है, तो इसका कूट पीसकर चूर्ण तैयार करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप इसका चूर्ण खुद से तैयार कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तैयार कर सकें तो आप बाजार से इसका चूर्ण खरीद सकते हैं। तो इसके चूर्ण का आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या अधिकतम 3 ग्राम की मात्रा तक इसका प्रयोग सुबह शाम आप कर सकते हैं। सुबह आप इसका प्रयोग नाश्ते के बाद करेंगे और रात को इसका प्रयोग खाने के बाद करेंगे। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह इसका प्रयोग करना है, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में शाम को इसका प्रयोग करना है और ताजे पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से सर्पगंधा का प्रयोग करने से आपको आपके हाई ब्लड प्रेशर में, आपकी नींद की मात्रा में सुधार होगा, हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी, शरीर की थकान कम होने लगेगी और आपको सर्पगंधा के सभी फायदे धीरे धीरे होने लगेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्पगंधा के प्रयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं या सर्पगंधा के प्रयोग से क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले तो सर्पगंधा के प्रयोग करते समय आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर की अंग्रेजी दवाओं के साथ सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है तो ब्लड प्रेशर अचानक से धीरे धीरे काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ऐसी अवस्था ना आए तो इसके लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए। इसके अलावा इसके प्रयोग से जो है कभी कभी उल्टी, मचली, बेचैनी की सी शिकायत होती है, कभी कभी आपको पेट में ऐंठन इस तरह की भी शिकायत हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो आपको सर्पगंधा का प्रयोग 1-2 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हों, स्तनपान कराती हों, या गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें कई तरह के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो आपके बच्चों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को और नवजात बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके प्रयोग से बचना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सर्पगंधा के साथ अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं तो यह आपको बहुत अधिक मात्रा में नींद ला सकता है, अधिक मात्रा में सुला सकता है, तो इसके साथ अल्कोहल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सर्पगंधा एक बहुत ही प्रभावशाली औषधि है, बहुत ही कारगर औषधि है। इसके इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो अगर आपको सर्पगंधा का प्रयोग करना है तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही सर्पगंधा का प्रयोग करें। तो दोस्तों, सर्पगंधा के विषय में यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।